पूरा करने की साजिशें रची जा रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला हो जाता है। वहीं संसद के सत्र को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है, 18 जून से शुरू हो सकता है संसद का सत्र, 21 जून तक चल सकती है संसद के का सत्र। और आपको बता दें कि इस दौरान तमाम जो सांसद चुनकर आए हैं उनको यहां पर शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर का फैसला हो सकता है, तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं यहां पर ये हो सकती हैं। और इसके बाद एक और सत्र होगा जिसमें सरकार अपना बजट भी लेकर आएगी, क्योंकि इस चुनाव से पहले जो है सरकार ने पूर्ण बजट पेश नहीं किया था, और ऐसे में उसका भी इंतजार अब यहां पर किया जा रहा है। तो फिलहाल तो ये छोटा सत्र हो सकता है जिसमें तमाम सांसदों की शपथ और स्पीकर का चुनाव हो सकता है। पिछली बार स्पीकर की जिम्मेदारी ओम बिरला पर रही थी, उससे पहले सुमित्रा महाजन ने यह जिम्मेदारी निभाई थी। इस बार लोकसभा में कहीं ना कहीं जो स्पीकर की जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं उनके पास अपना बहुमत नहीं है। हालांकि गठबंधन के हिसाब से देखें तो जो सरकार है उसके पास अपना पूरा नंबर है। वही मोदी सरकार 3.0 का पहला फैसला देखने को मिला है। किसानों के लिए पीएम ने जारी की किसान सम्मान निधि की किस्त, 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ में कार्यभार संभाला, किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और तुरंत ही आपको